दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्या जी न्यूज चैनल में। दोस्तों एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष नई जानकारी लेकर के। दोस्तों PSL के एजेंट निवेशक बहुत अच्छी तरह से परेशान हैं, उनके साथ धोखा हुआ है। अगर हम PSL की बात ना करें, सभी चिटफंड कंपनियों की अगर हम बात करते हैं तो सभी चिटफंड कंपनी किसी भी तरह से अगर चल रही हैं तो सभी के साथ दोस्तों धोखा हुआ है। धोखा इस कदर हुआ है कि लोगों का पैसा निवेश हुआ और कंपनियां बंद कर दी गई। वो भी अगर हम सीधा सीधा इल्जाम सरकार को लगाते हैं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि 2014 के बाद सारी कंपनियां बंद हुई। रिकॉर्ड में 1 लाख से ज़्यादा कंपनियों को बंद किया गया, जिसमें बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो कि पैसा निवेश नहीं करवाती थी, वो भी कंपनी बंद हुई। इस प्रकार से 1 लाख से ज़्यादा कंपनियों को बंद करना, आज आर्थिक स्थिति जो भारत की बहुत गड़बड़ हो चुकी है, मेन कारण वो भी हो सकता है। दोस्तों आज GDP 4.5% पहुंच गया, इसका वजह क्या है? आज भारत सरकार को 1,77,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से लेना क्यों पड़ा? क्योंकि भारत की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। जो कंपनियां किसी भी क्षेत्र में काम कर रही थी, चाहे पैसा निवेश करवा रही थी या कंपनी कोई फैक्ट्री या उद्योग चला रही थी, सारी कंपनियों को बैन करना, बंद करना राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान होना है। उसी राजस्व की पूर्ति के लिए आज हम एक बात का और भी खुलासा करेंगे दोस्तों। इससे पहले हम चाहेंगे दोस्तों, जो पहली बार इस चैनल पर न्यूज़ देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और साथ में जो बेल आइकन घंटी है उन्हें उसे भी दबा दें, ताकि सब प्रथम आप लेटेस्ट न्यूज पाएं। और पहले से सब्सक्राइब किए हुए सब्सक्राइबर भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर, अपने विषय पर। सभी कंपनियों के निवेशक एजेंट सभी परेशान हैं। दोस्तों हम सीधा सीधा टारगेट अगर करना चाहते हैं तो एक बात सामने निकल कर आती है दोस्तों, जिस सरकार को हमने ये मानकर बिठा दिया शासन सत्ता पर कि आने के बाद हमारा विकास करेगी, लोगों का विकास होगा, देश का विकास होगा, आज स्थिति ये है लोग बेरोजगार हो गए। अगर रिकॉर्ड के तौर पे देखा जाए तो कितने लोगों का पैसा, वो तो फंसा ही फंसा, निवेशकों का, साथ में बेरोजगारी की परम चरम सीमा हुई। आप दोस्तों ये मान लीजिए 1 लाख कंपनियों का बंद होना, 1 लाख कंपनियों का बंद होना मतलब कितने लोगों का रोजगार छूट जाना, कितने लोगों का पैसा डूब जाना, ये क्या सिद्ध करता है? देश की विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है या देश को बर्बाद करने का सिस्टम चल रहा है? दोस्तों अब जनता के हाथ में है, वो आगे का फैसला क्या लेती है। दोस्तों PSL के निवेशकों के इस धोखाधड़ी से बहुत आहत हैं। तो PSL के बात करें तो PSL के लोगों ने यह कहना स्टार्ट कर दिया है, ये बात उनके मुंह से अब निकलने लगा है निवेशकों के मुंह से। इसमें जो पैसा जमा करने वाले एजेंट हैं उनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती सरकार की पाई जा रही है। पैसा निवेश करने वाले एजेंटों की गलती तब होती जब एजेंट जमा करता, कोई एक कंपनी में जमा करता, वो कंपनी बंद हो जाती, कोई कंपनी तो ठीक होती। यहाँ पर निवेशकों ने यह देखा कि सारी कंपनियां बंद हो गई, क्या सारी कंपनियां गलत थी? इससे यह सिद्ध होता है कि सारी कंपनियों एक सोची समझी साजिश के तहत बंद हुई और सारी कंपनियों का पैसा लूट लिया गया एक सिस्टम के तहत। दोस्तों अब निवेशकों ने ये मन में ठान लिया, हम किसी भी क्षेत्र में अगर वोटिंग होती है तो हम इस BJP सरकार को वोट नहीं करेंगे।
किसी भी कीमत पर वोट का हम वोटिंग नहीं करेंगे, वोट का बहिष्कार। चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहता हूँ, पीएसएल के एजेंट हो या किसी भी कंपनी के एजेंट हो और किसी भी कंपनी के निवेशक हो, सबसे पहले हम पीएसएल की अगर बात करें तो पीएसएल में जो इस समय कार्रवाइयाँ चल रही हैं दोस्तों, वो धीमी गति से चल रही हैं। 21 और 22 अगस्त 2014 को जो निवेश हुआ धन है 15,000 करोड़ रुपये, ये सोशल साइट पर वायरल हो रहा है दोस्तों, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये मुद्दा बना लीजिए दोस्तों, चाहे आप निवेशक हो चाहे एजेंट हो, ये वायरल हो रहा है कि ये सारा पैसा जो कंपनी में जमा हुआ है, ये पैसा 15,000 करोड़ रुपये आतंकवादियों को दे दिया गया, या ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसी खबरें लगातार सोशल साइट पर सुनने को मिल रही हैं दोस्तों। तो ऐसी सूचना को हम क्या करें, जब ऐसी सूचना सोशल साइट पर वायरल हो रही है तो पहली बात तो जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं या पुलिस वाले हैं, इस वायरल वीडियो को का विश्लेषण करना चाहिए, जांच करना चाहिए। जो जांच करने वाली टीम है जो दिखाती रहती है चैनलों पर कि हमने फ्रॉड वायरल वीडियो का विश्लेषण किया, पता किया कि ये वायरल वीडियो गलत है, तो ऐसी टीम कहाँ है? हम उन चैनलों वालों से कहना चाहते हैं, वो टीम सक्रिय होकर के जो 21-22 का मुद्दा उठ रहा है कि 15,000 करोड़ रुपये आतंकवादियों को भेज दिया गया, इस पर विचार होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या सच में 15,000 करोड़ रुपये आतंकवादियों को दे दिया गया या फर्जी सोशल साइट पर वायरल हो रहा है इस प्रकार का वीडियो, इसका विश्लेषण करें, चाहे आज न्यूज वाले करें, चाहे मतलब बहुत सारे चैनल हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, इन चैनलों को अपील करता हूँ ये काम करें। क्यों नहीं करती हैं पुलिस, ये काम क्यों नहीं करती है जब इस प्रकार के वीडियो वायरल हो रहे हैं तो? और 21-22 के मुद्दे को लेकर एक बात और कहना चाहता हूँ जो कि सच है, वो सेबी ने स्पष्ट बता दिया, जब आरटीआई भेजा गया सेबी के पास तो आरटीआई में उन्होंने लिखा कि 21 अगस्त 2014 का ऐसा कोई पैसा हमारे पास नहीं है। दोस्तों इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा बहुत सारा धन जो है सेबी के रिकॉर्ड में, लोढ़ा कमेटी के रिकॉर्ड में है ही नहीं, वो फर्जी है, और उस बांड को हम जुगे रखे हुए हैं जिनका रिकॉर्ड सेबी के पास नहीं है दोस्तों। दोस्तों अब हमें क्या करना चाहिए, हम चैनल के माध्यम से दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं उन लोगों से जो पढ़े लिखे लोग हैं, अपना ट्विटर पर अकाउंट बनाएं और 21-22 अगस्त के मुद्दे को तेजी से उछालें और सूचना दें, क्योंकि वहां पर ट्विटर पर बहुत तो, मतलब कि वीडियो की जांच ज्यादा होती है और गौर किया जाता है, मतलब कि कमेंट का तेजी से उठाएं कि 21-22 अगस्त 2014 जो पैसा कलेक्शन हुआ है, जो रसीदें 21-22 की बहुत ज़्यादा कटी हुई है, तारीख पड़ा हुआ है, तो उन पैसा जो आतंकवादियों को भेज दिया गया है ऐसा सुनने को मिल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा ट्विटर पर अकाउंट बनाकर करें, हो सकता है इससे कुछ राहत मिले। जानते तो वैसे सब लोग हैं लेकिन वहाँ पर ट्विटर अकाउंट पर इसका अधिक सफल होने का लगता है दोस्तों। आपकी क्या राय है कमेंट करके भी बता देना दोस्तों, सोचते हैं कि वहाँ पर अच्छा रिस्पांस मिलने की गुंजाइश होगी, आप क्या कहते हैं दोस्तों? सरकार पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और सरकार जरा सा भी चेत नहीं रही है। भंगू को जेल में होना चाहिए, जैसा सूचना मिल रही है कि भंगू अपने घर पर बैठा है, तो दोस्तों जेल की बजाय वो घर पर बैठा है और उसके इशारे पर मैनेजमेंट काम कर रहा है। दूसरी बात यह है, जो संगठन वाले हैं भंगू को क्यों नहीं घेरते हैं,
भंगू चाहे, भंगू अगर चाहे तो सारी सारा का सारा पैसा पीसीएल के निवेशकों को 24 घंटे में मिल सकता है, भंगू चाहे तो। दोस्तों, कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का मालिक भंगू, भंगू के मिले जुले मैनेजमेंट के लोगों की जितनी भी प्रॉपर्टी है, सारी के सारी प्रॉपर्टी सरकार को ले लेनी चाहिए, ले करके बेच करके सारा का सारा पैसा निवेशकों को ब्याज सहित देना चाहिए। ऐसा आर्डर कोर्ट की तरफ से होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, ये बहुत दुख की बात है। दोस्तों, आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।